Hi friends, we are starting with chapter number 7. In the beginning of this chapter, we had discussed that this chapter has two parts. Part 1 was regarding system of particles. We studied about system of particles and its motion. Okay, so that was mainly dealing with mechanics of system of particles. And second part is regarding rotational motion. So rotational motion ke baare mein humne idea liya tha wahan pe ki it is one of the three basic types of motion. Motion basically exists in three basic types, that is linear motion along a line, rotational motion about an axis passing through the body itself, and thirdly vibrational motion, moving about to and fro about a fixed point. ये तीन टाइप के बेसिक मोशन है. पहला हमने आगे पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 3 to 6 वी हैड स्टडीड रिगार्डिंग लीनियर मोशन. नाउ वी गो ऑन फॉर रोटेशनल मोशन. चैप्टर का पार्ट 2 डील्स विद रोटेशनल मोशन. नाउ बिफोर एंटरिंग इनटू रोटेशनल मोशन, लेट्स फर्स्ट टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी क्या होता है? अब रिजिड बॉडी इज अ स्पेशल केस ऑफ, इट्स अ स्पेशल केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. स्पेशल केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक स्पेशल केस है. क्या स्पेशलिटी है उसके अंदर? नाउ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या था? इट इज अ कलेक्शन, इट्स अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन पार्टिकल्स टुगेदर इन विच ईच पार्टिकल इज फ्री टू बिहेव इन डिफरेंट मैनर. ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में था. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज कलेक्शन ऑफ मोर देन वन पार्टिकल्स वेयर ईच पार्टिकल इज फ्री टू बिहेव इन डिफरेंट मैनर. ओके, रिजिड बॉडी में क्या है? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ही है. एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ओनली, इट इज सच अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच द रिलेटिव पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स डू नॉट चेंज. ये ऐसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें रिलेटिव पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स डू नॉट चेंज. यानी मतलब क्या हो? रिलेटिव पोजिशन मतलब क्या? तो सपोज एक सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है. दिस सिस्टम है मेनी पार्टिकल्स इन इट. ओके, लेट्स से दिस इज पार्टिकल नंबर 0. ये पार्टिकल नंबर 0 है. उसके रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल नंबर 1 का पोजीशन वेक्टर ये बनता है. बराबर, 0 के रिस्पेक्ट में पार्टिकल 1 का पोजीशन ये बनता है. 0 के रिस्पेक्ट में पार्टिकल 2 का पोजीशन वेक्टर ये बनता है. 0 के रिस्पेक्ट में पार्टिकल नंबर 3 का पोजीशन वेक्टर ये बनता है. ओके, दिस पोजीशन ऑफ पार्टिकल नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू 0 रिलेटिव पोजीशन हो गया. पोजीशन ऑफ पार्टिकल नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू 0, पोजीशन ऑफ पार्टिकल नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 0. This becomes position of particle 3 with respect to 2. Position of particle 3 with respect to 2. ये सारे relative positions हो गए. अब ऐसा system of particles जिसमें relative positions do not change, यानी 2 के respect में अगर 3 यहाँ पर है तो हमेशा यहाँ पर ही रहेगा. Motion भाई भले कैसा भी हो पर 2 के respect में 3 यहाँ पर ही रहेगा. बराबर है, that's called a rigid body. यानी के particles एक जगह से दूसरी जगह shift, they will not be moving with respect to each other. यानी हमेशा ड्यूरिंग द मोशन ये पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में 3 यहीं पे रहेगा, 0 के रिस्पेक्ट में 3 यहीं पे रहेगा, 0 के रिस्पेक्ट में 1 यहां पे ही रहेगा. फिक्स है ये, चाहे पार्टिकल कैसा भी मोशन करे ये रिलेटिव पोजीशन डू नॉट चेंज. मतलब क्या हो गया? पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस विल नॉट चेंज. इसको इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स डू नॉट चेंज. डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स डू नॉट चेंज. अब अगर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स चेंज नहीं हो गए तो ऐसा भी हो गया, they cannot be D-shaped, cannot be D-shaped or deformed. इनको deform नहीं कर सकते ना ही D-shaped कर सकते हैं. मतलब कि इनका shape या form change नहीं होगा. क्यों? Particles के बीच का distance change नहीं हो रहा है. Suppose ये particles है rigid body कोई system के, अगर हम लोग इसको twist करते हैं तो particles shift हुए. बराबर है, rigid motion change हो गया. जो ऐसे थे वो थोड़े change हो गए, shift हो गए. पर ये अलाउड नहीं है रिजिड बॉडी में, दे कैन नॉट चेंज. मतलब क्या हो गया? कहीं वो तो यूं रहेंगे, यानी उनका शेप भी चेंज नहीं हो सकता नहीं फॉर्म. बराबर है, दे कैन नॉट बी डी शेप, दे कैन नॉट बी डी फॉर्म. तो रिजिड बॉडी सच अ वर्ड, सच अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स डू नॉट चेंज. मतलब द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स आल्सो डू नॉट चेंज, यानी कि दे कैन नॉट बी डी शेप डी फॉर्म. तो रिजिड बॉडी कौन से व्हिच आर द एग्जांपल्स ऑफ रिजिड बॉडी. एक और फाइनल लाइन दे देते हैं तो बात खत्म हो जाएगी. इट इज प्योरली एन आइडियल केस. आइडियल केस मतलब क्या? आइडियल मतलब आदर्श, जो हकीकत में नहीं हो सकता. 100% आइडियल इज नॉट पॉसिबल. ये वैसे आइडियल केस है, यानी कि ऐसा 100% रिजिड बॉडी इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली.
तो फिर जो हमको मिलता है डेली लाइफ में देखने को मिलता है वो क्या है, दैट वी कॉल्ड अ सॉलिड बॉडी। जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं वो सारे सॉलिड बॉडीज हैं। क्यों? क्योंकि उनमें रिलेटिव पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स कैन चेंज, रिलेटिव पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स कैन चेंज बोला है, डू चेंज ऐसा नहीं बोला है, पार्टिकल्स कैन चेंज। इवन डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स कैन चेंज, इवन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स कैन चेंज। तीसरा यूं बोल सकते हैं, दे कैन बी डिफॉर्म और डी शेप, इनको डी शेप या डिफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज हो सकता है, होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट कैन चेंज, कैन बी डिफॉर्म और डी शेप। हम क्या बोलते हैं रिजिड बॉडी, मैक्सिमम रिजिड, क्या सबसे ज्यादा रिजिड चीज क्या होती है, तो बोले स्टील इज द मोस्ट रिजिड बॉडी, या डायमंड बोलो, चलो डायमंड इज द रिजिडेस्ट मटेरियल अवेलेबल ऑन दिस अर्थ, डायमंड। पर वी नो वेरी वेल दैट ऑन हीटिंग डायमंड टू वेरी हाई टेम्परेचर इट कैन बी बेंड, इवन डायमंड का कटिंग एंड पॉलिशिंग पॉसिबल है, मतलब के डायमंड के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बदल सकते हैं, काट दिया मतलब क्या डिस्टेंस बदल गया, बराबर है। स्टील बोलते हैं स्टील, तो स्टील यानी फॉल आर्ट, एकदम मजबूत, अरे पर उसमें भी चेंज हो सकते हैं, यू कैन हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ स्टील, थाली है, बाउल है, चम्मच है, दीज आर डिफरेंट शेप्स अवेलेबल फ्रॉम स्टील, तो कौन सा फॉल आता रहा, इट्स नॉट बेसिकली रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होगा, 100% रिजिड बॉडी इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। तो जो हमें मिलता है हमारे डेली लाइफ में वो सॉलिड बॉडी है, जिसको हम लोग डिफॉर्म भी कर सकते हैं, डी शेप भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसको, बराबर, यानी पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कैन चेंज, तो दोज आर सॉलिड बॉडीज। तो हम जो डेली लाइफ में देखते हैं सॉलिड बॉडी होते हैं, तो ये रिजिड बॉडी क्या है, जिसमें रिलेटिव पोजीशंस डू नॉट चेंज, डिस्टेंस पर पार्टिकल्स डू नॉट चेंज, दे कैन नॉट बी डी शेप्ड और डिफॉर्म। अगर ये आइडियल केस है, डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तो फिर से पढ़ने का क्यों, तो इसे पढ़ने का क्यों, क्योंकि इसको इसको कंसिडर करने से फायदा क्या मिलता है, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होंगे, तो जो एक का होगा वही दूसरे का भी होगा, वही तीसरे का भी होगा, वही चौथे का भी होगा, सबका वही होगा, जो एक का होगा वो सबका होगा, बराबर है। तो हियर वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द मोशन रिलेटिव पोजीशन डू नॉट चेंज, मतलब क्या हुआ, जितने एक चलेगा उतने ही सब चलेंगे, तो हमारे लिए स्टडी इजी हो जाएगा, इस एक को स्टडी करो सेम विल अप्लाई फॉर ऑल, इसलिए फॉर आवर स्टडी रिजिड बॉडी इज मोर बेटर। आइडियल केस लेके पढ़ो फिर रियलिटी में जाओ, बराबर है। अगर आइडियली आपको पता नहीं है तो रियलिटी आप कैसे पढ़ोगे, यह रियलिटी का केस है, रियल केस है, यह आइडियल केस है। आइडियल का पता होगा तो तुम रियलिटी में बोल सकते इतना इतना चेंजेस हो सकता है। इफ यू हैव अ टाइम टेबल के भाई कर्णावती एक्सप्रेस सुबह 5:35 को अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म से निकलेगी, कर्णावती एक्सप्रेस अगर डिफाइन किया 5:35 को निकलेगी सुबह, तो अगर 5:40 को निकलते तो आप बोल सकते 5 मिनट लेट है, या 5:35 को निकलते तो आप बोलोगे, आप 5:30 को निकलते आप बोलोगे 5 मिनट जल्दी है, 5:35 को निकलते आप बोलोगे टाइम पर है। ये कब बोलोगे, जब डिफाइन किया हुआ आइडियल के इट्स डिपार्टिंग टाइम इज 5:35, पर वो डिफाइन ही नहीं किया, बोले सुबह निकलेगी कर्णावती, सुबह निकलेगी कब निकलेगी, सुबह तो 4 बजे से शुरू होती है, 4 बजे से शुरू होती है, दोपहर को 12 बजे तक सुबह ही होती है, कई लोग 11:30 उठ के बोलते हैं हाय सवार पड़ी सुबह हो गई, बराबर है। इससे एक आइडियल को डिफाइन करना जरूरी है, आइडियल हो तो रियलिटी का पता चलेगा, बराबर है। इसलिए हम लोग रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो रिजिड बॉडी इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच रिलेटिव पोर्शन ऑफ पार्टिकल्स डू नॉट चेंज। तो जो एक का होगा वो सबका होगा, दैट इज रिजिड बॉडी, जो एक का होगा सबका होगा, दैट इज रिजिड बॉडी, बराबर है। एंड उसके कंपेरिजन सॉलिड बॉडी के साथ, जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं सॉलिड बॉडी है, 100% रिजिड बॉडी इज नॉट पॉसिबल, क्लियर। तो ये कंसेप्ट हो गया रिजिड बॉडी का, फिर आगे चलते हैं रोटेशन मोशन के बारे में बात शुरू करते हैं। चलो रिगार्डिंग रोटेशन मोशन, तो ये क्या है, इट इज वन ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ मोशंस। वी हैड सीन प्रीवियसली दैट देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ मोशन, एक तो लीनियर मोशन, दूसरा रोटेशन मोशन, तीसरा वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन का दूसरा नाम ऑसिलेटरी मोशन है, क्या ऑसिलेशन है, बराबर। ये 3 बेसिक टाइप के मोशन है, उसमें से रोटेशन मोशन हम लोग अब पढ़ रहे हैं, लीनियर पढ़ चुके हैं, रोटेशन पढ़ रहे हैं, ऑसिलेशन बाद में पढ़ने वाले हैं 14 चैप्टर में, बराबर है। तो अब रोटेशन मोशन यहां पे पढ़ रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या पहले वो देख लेते हैं। इट इज वन ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ मोशन, एक तो पक्का हो गया, यानी कि दुनिया के ऑल द मोशन अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन अवेलेबल इन द यूनिवर्स आर आइदर वन ऑफ द 3 बेसिक और कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन ऑफ दीज 3 बेसिक मोशन।
लेकिन इन तीन के कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन या फिर इन तीन पे बेस्ड, यानी इन तीन के अलावा और कोई टाइप के बेसिक मोशन फंडामेंटल मोशन नहीं है। हमें यहां पे पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंस है रोटेशनल मोशन का? द रीजन इज, एक तो मैकेनिक्स वन ऑफ द फंडामेंटल पार्ट है, दूसरा रीजन इलेवन में रोटेशनल मोशन पढ़ने, इसका आगे के टॉपिक्स में भी जरूरत पड़ेगी, फर्दर ट्वेल्थ में जब पढ़ेंगे तब ट्वेल्थ में भी कई जगह पे ये इसके कॉन्सेप्ट लागू पड़ेंगे, बराबर, दे विल बी अप्लाइड देयर ऑल्सो। तो इलेवन ट्वेल्थ में तो इसका इंपॉर्टेंस है ही। और खास बता दूं, जो लोग ए ग्रुप परस्यू कर रहे हैं एंड इंजीनियरिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर का वन ऑफ द सब्जेक्ट इज रोटेशनल मोशन। माने ये चैप्टर है यहां पर इलेवन में, ये चैप्टर आगे जाके पूरा एक सब्जेक्ट बनने वाला है, 100 मार्क्स का बाकायदा पेपर होगा उसमें से, बराबर है। एंड दैट इज इन फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, ओके। तो थियरी ऑफ मशीन बोलते हैं उसको, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए, पर इनडायरेक्टली रोटेशनल मोशन वहां पे स्टडी करना है। इसलिए स्टडी ऑफ रोटेशनल मोशन बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ए ग्रुप स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो खाली मोशन रोटेशनल मोशन की बात नहीं है, पूरा फिजिक्स उनके लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, पर रोटेशनल मोशन बिकम वन सब्जेक्ट इन फर्दर। थियरी ऑफ मशीन नॉर्मली बोलते हैं यहाँ पे गुजरात GTU में, पर पता नहीं अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग नाम से उसे रिफर किया होता है, पर है बेसिकली रोटेशनल मोशन। पूरा सब्जेक्ट मिलेगा आपको यहाँ पे, जहां कहानी को छोड़ेंगे उसे आगे वो लोग डेवलप करेंगे, यानी व्हेन दे विल बी डेवलपिंग फर्दर टॉपिक्स दे विल ऑलवेज रेफर कि आपने ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है, ये आपने ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है, ये ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है, इसलिए ये हमने इलेवन में लिया हुआ है सिलेबस में। तो याद रखना है कि ये पार्ट अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे का जरूरत पड़ेगी, काम आएगा ये। इससे जहां पे भी बी वेरी मच अटेंटिव इन दिस टॉपिक इन दिस चैप्टर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो रोटेशनल मोशन को स्टडी करना है। अब मोशन के स्टडी को क्या बोलते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडी मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, चैप्टर नंबर 3 में देखा था, काइनेमेटिक्स स्टडी मोशन प्योरली, एंड सेकेंड पार्ट इज डायनेमिक्स स्टडी मोशन अलॉन्ग विद द कॉजेस बिहाइंड मोशन, डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स के दो ब्रांच काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, मैकेनिक्स एंड स्टडी ऑफ मोशन मैकेनिक्स, उसके दो ब्रांच काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स हमने क्या पढ़ा था? तो चैप्टर नंबर 3, 4, 6 पहले हमने स्टार्ट किया था विद पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, पहले हमने स्टार्ट किया था विद पोजिशन ऑफ पार्टिकल डिनोटेड बाय आर बार, बराबर है। फिर पोजिशन में चेंज हुआ जिसको नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट, जिसको नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट एंड डिनोटेड बाय डेल्टा आर बार, एंड इट इज गनस आर टू बार माइनस आर वन बार, एंड इट वॉज मेजर्ड इन मीटर, डिस्प्लेसमेंट वॉज मेजर्ड इन मीटर, डिस्टेंस कवर्ड वाला केस जिसका मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस कवर्ड, बराबर। फिर पोजिशन के बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने पढ़ा वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी गिवनस वी बार, बराबर है। वैसे बोले जाए तो स्पीड लेते हैं पहले, स्पीड वी लिखते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, या फिर इंस्टेंट स्पीड चाहिए तो डी आर बाय डीटी, ओके, यानी एवरेज स्पीड और इंस्टेंट स्पीड का केस आ गया। फिर बाद में उसके बाद हमने लिया स्पीड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिया तो वेलोसिटी डेल्टा वी बार, डेल्टा आर बार बाय डेल्टा टी, एंड दैट इज डी आर बार बाय डीटी। ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, ये इंस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इंस्टेंट स्पीड। तीसरा आया था इसका स्टेप एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन वाज डिनोटेड बाय अल्फा, सॉरी ए, एक्सेलरेशन वाज डिनोटेड बाय ए बार, एंड दैट वाज चेंजिंग वेलोसिटी पर टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, एंड ये इंस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया डीवी बार बाय डीटी। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 और 4 में, बराबर है। फिर इससे आगे कहानी और बढ़ी, ये हो गया काइनेमिक्स। अब डायनेमिक्स देखे तो डायनेमिक्स हमने क्या पढ़ा था? रीजंस बिहाइंड मोशन, व्हाई मोशन अपर, उसके बारे में बात की थी। तो उसमें सबसे पहला रीजन क्या था हमारे पास मोशन का? सबसे पहला रीजन अबाउट मोशन वाज व्हाई डज मोशन अराइज, बिकॉज ऑफ फोर्स, चैप्टर नंबर 5 में देखा था ये, बिकॉज ऑफ फोर्स। फोर्स को मेजर डिनोट करते हैं एफ से, एंड यूनिट उसका लेते हैं न्यूटन। व्हाई डज फोर्स अराइज,
तो बोला था चेंज इन मोमेंटम, तो वहां हमने डिफाइन किया था मोमेंटम डिवाइडेड बाय छोटा पी एंड उसका यूनिट केजी इंटू मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन इंटू सेकेंड, ये इसका यूनिट लिया था हमने मोमेंटम का। मोशन क्या होता है? बिकॉज ऑफ फोर्स। फोर्स क्यों? फोर्स वाइड फोर्स है बिकॉज ऑफ चेंज मोमेंटम। अब मोमेंटम क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि मास को कंसिडर करना था, याद हो तो मास को दूसरे वर्ड में इनर्शिया भी बोलते हैं, इट्स अ मेजर ऑफ इनर्शिया। तो मास मास के कारण मोमेंटम, मास को कंसिडर करना था इसलिए मोमेंटम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। स्पीड के अलावा मास भी चाहिए था, तो मास इनटू स्पीड करके मोमेंटम इंट्रोड्यूस किया। मोमेंटम में चेंज हुआ तो फोर्स अराइज हुआ, फोर्स अराइज हुआ तो मोशन शुरू हुआ। यानी ड्रिलिंग अबाउट द रीजंस बिहाइंड मोशन, ये हमने लिया था। मास इज मेजर्ड इन केजी किलोग्राम, बराबर है। ये तो हमने तो पढ़ा था चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 में, बराबर। चलो अब क्या करें, हम लोग मोशन नहीं रोटेशन मोशन स्टडी करें। मोर प्रिसाइजली कम टू रोटेशन मोशन, तो स्टडी ऑफ रोटेशन मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मैकेनिक्स। इसकी दो ब्रांच, रोटेशनल काइनेमेटिक्स एंड रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स बराबर है, पढ़ना क्या हमें रोटेशनल काइनेमिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स। अब रोटेशन में क्या होगा? गोल गोल घूम रहे, रोटेशन में क्या गोल गोल घूम रहे, तो उसमें हम क्या करेंगे बात, गोल घूम रहे पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। तो यहां से अगर यहां आया, यहां से पार्टिकल अगर यहां आया, तो इतना कवर किया डिस्टेंस। अब मेजरिंग कवर डिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, इसे क्या करेंगे, इसी की बात एंगल के टर्म्स में करेंगे कि बोले इतना एंगल घूमा, इट हैज मूव्ड बाय एन एंगल थीटा। एज वी कैन मेजर दिस डिस्टेंस वी मेजर इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो यहां पे कॉन्सेप्ट सारे एंगल के टर्म्स में आएंगे। काइनेमेटिक्स में पोजीशन पोजीशन लिया था, यहां पे एंगल के टर्म्स में पोजीशन, तो एंगल ऑफ पोजीशन बढ़ेगा। तो रोटेशन मोशन में भी कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ पोजीशन डिवाइडेड बाय थीटा एंगल। एंगल में चेंज हुआ, एंगल ऑफ पोजीशन में चेंज हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, तो दैट बी थीटा 2 माइनस थीटा 1 एंड एंगल इज स्केलर, तो वही एंड एंगल मेजर होगा रेडियन में, बराबर। इतना फर्क है, जो हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था वही पढ़ना है, और अब एंगल के टर्म्स में, एंगल ऑफ मोशन। तो ये लीनियर मोशन वाला केस हो गया, अलोंग द लाइन लीनियर मोशन वाला केस। इन टर्म्स ऑफ एंगल बोलो तो रोटेशन मोशन वाला केस हो गया, एंगल ऑफ पोजीशन, एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज एंगल ऑफ स्पीड, वी के बदले ओमेगा, तो वी डिनोटेड बाय ओमेगा, छोटा डब्ल्यू, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी और डी थीटा बाय डी टी, यूनिट जाएगा रेडियन पर, उसमें मीटर पर सेकंड आएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, यूनिट में मीटर बदल रेडियन। यानी वही के वही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, वी हैव टू स्टडी द सेम कॉन्सेप्ट्स जस्ट इन टर्म्स ऑफ एंगल एंड यूनिट इन रेडियन, उतना ही फर्क है। यानी 3, 4, 5 चैप्टर फिर से रिवाइज हुआ, 3, 4, 5 और 6, बट सारा एंगल के टर्म्स में। एंगुलर स्पीड का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओमेगा बार, ओमेगा बार या डी थीटा बार, डेल्टा थीटा बार, डी थीटा बार एंड बी रेडियन पर सेकंड। फिर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी गिव्स एंगुलर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय अल्फा, ये अल्फा होगा इसका सिंबल, डी और डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी एवरेज वैल्यू, इंस्टेंट वैल्यू डी ओमेगा बाय डी टी, यूनिट आएगा रेडियन, उसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर था या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, यानी सारी बातें वही पढ़नी है खाली एंगल के टर्म्स में, क्यों? क्योंकि अब सर्कुलर पाथ पे मूव करने वाले पार्टिकल्स। ओके, वहां पे फोर्स पड़ा था, अब यहां पे क्या होगा? तो फोर्स का काउंटर पार्ट हियर इन रोटेशन मोशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, जिसका छोटा सा प्यारा सा नाम दिया है टॉर्क, इसको टॉर्क नाम दिया होगा एंड इसका सिंबल टाओ यूज किया, ग्रीक लेटर टाओ। यूनिट क्या आ जाएगा? तो फोर्स का न्यूटन, इसका न्यूटन इंटू मीटर, यूनिट हो जाएगा। यानी फोर्स को रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, मोमेंटम को क्या बोलेंगे? तो मोमेंटम, 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 मोमेंटम। फोर्स को बोला था मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये मोमेंटम, मोमेंटम, जिसको छोटा सा नाम दिया हुआ है एंगुलर मोमेंटम, एंगल के टर्म्स में ना, इसलिए एंगुलर मोमेंटम। नोटेशन इसका स्मॉल एल यूज करेंगे, यहाँ पे पी है छोटा, तो यहाँ छोटा है। आप दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एंगुलर मोमेंटम बोले, तो इसको हम लोग लीनियर मोमेंटम वर्ड यूज करेंगे आपसे,
ना हमने लीनियर मोमेंटम आगे लिया था पार्ट वन में, वो यही है। ओके यूनिट क्या होगा, तो इधर क्या था न्यूटन का, न्यूटन मीटर होगा, तो ये न्यूटन सेकंड का, न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकंड, जिसको जूल इंटू सेकंड भी बोल सकते हैं, तो इसका जूल इंटू सेकंड, या फिर इसके अंदर एक मीटर और ऐड कर दो तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, यानी लीनियर मोशन में जो क्वांटिटी है उसके साथ मीटर मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट ऑफ एंगुलर क्वांटिटी हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगुलर क्वांटिटी। फोर्स को मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, मोमेंटम को लीनियर मोमेंट ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, तो इनर्शिया को क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी लीनियर मोशन के केस में जिसे हम लोग मास बोलते थे, रोटेशन मोशन में उसे रिफर करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय कैपिटल आई। यूनिट में क्या क्या था, इंटू मीटर क्या था ना, यहाँ पे इंटू मीटर स्क्वायर करने का, केजी मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट कुछ रीजन है उसके पीछे। यानी लीनियर मोशन में जिसको मास बोलते थे, रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। करना क्या, ऑलमोस्ट सारी वही की वही बातें करनी है, 3, 4, 5, 6 चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 में जो लीनियर मोशन पढ़ा था उसे ही पढ़ना है, एवरीथिंग द सेम, ओनली थिंग इज कन्वर्टिंग इनटू एंगुलर फॉर्म, नथिंग एल्स। यानी वही के वही सारे फंडामेंटल्स आएंगे, वही के वही सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, बट आप बातें एंगल के टर्म्स में कर रहे होंगे। आप बोलोगे नहीं यार ऐसा मजाक मत करो, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, इफ यू हैव स्टडीड 3rd, 4th, 5th, and 6th चैप्टर प्रॉपरली, एंड दिस चैप्टर विल बी वेरी वेरी इजी। अगर वो प्रॉपरली नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, इसे ध्यान से पढ़ो तो वो तैयार हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लीमेंट्री, एक को पढ़ो दूसरा रेडी, दूसरा पढ़ो तो पहला रेडी। तो अगर इनके बाय चांस 3rd, 4th, 5th, 6th में कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं तैयारी की है, कोई बात नहीं, 7 चैप्टर का ये पोर्शन बराबर तैयार कर लो, वो भी अपने आप तैयार हो जाएगा, क्योंकि वही सारी बातें इधर आ रही है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम फंडामेंटल्स। हाँ थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड होगी बस, और कुछ नहीं। आप बोले बात सही है कि नहीं, चेक करते चलो फर्दर। इसके बाद हमने याद हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिए थे, वी इक्वल टू वी जीरो प्लस एटी बराबर है डी इक्वल टू वी ओ टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर 2AD is equal to V square minus V zero square, equation of motion. यहाँ पे exactly same लगते हैं क्या? Omega equal to omega zero plus alpha t. Final speed, initial speed, acceleration. Final angular speed, initial angular speed, angular acceleration. फिर यहाँ पे displacement है तो theta use करते ना? तो theta equal to omega zero t plus half alpha t square. यही formula आते हैं यहाँ पे भी आएंगे. 2 alpha theta. इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम। ये इक्वेशन डिराइव करते हैं, यहाँ पे भी ये इक्वेशन डिराइव करने हैं, इसके बेस पे सम्स किए थे, इसके भी बेस पे सम्स करने हैं, जो सम यहाँ पे थे वही सम यहाँ पे भी चलेंगे, खाली एंगल का कॉन्सेप्ट डालना है। अच्छा ये तो ठीक है, हमने याद हो तो काइंडिंग एंगल लिया था हाफ एम वी स्क्वायर, ऑब्वियसली यहाँ पे भी चलेगा, क्या आएगा यहाँ रोटेशन काइंडिंग एनर्जी हाफ मास के बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, लीनियर स्पीड का एंगुलर स्पीड, फॉर्मूला था यार रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का, फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में, तो यहां क्या लिखेंगे, फोर्स का काउंटर पार्ट टॉर्क है, मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन का अल्फा, टाउ इक्वल टू अल्फा आएगा यहां। वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यहां पे लेंगे, टॉर्क का सॉरी वर्क डन यहां पे भी लेंगे, यहां पे वर्क डन को डब्ल्यू बोलेंगे, बट टाउ इनटू थीटा बोलो ऐसा है। पावर का फॉर्मूला याद होता था एफ इंटू वी फोर्स इंटू स्पीड, यहां पावर का फॉर्मूला आएगा टॉर्क इंटू एंगुलर स्पीड, एग्जैक्टली सेम वही जो 3rd, 4th, 5th, 6th चैप्टर में पढ़ा है वही अब कन्वर्ट करना है रोटेशन मोशन में एंगल के टर्म्स में, यूनिट में मीटर की जगह रेडियन हो जाएगा सब जगह पे। यानी हम लोग वही 3, 4, 5, 6 चैप्टर रिपीट करेंगे बट इन टर्म्स ऑफ एंगल कंसिडरिंग द रोटेशनल पार्ट ऑफ इट। अब रोटेशन मोशन क्या होता है आप देखेंगे इसके बाद, पर एक बात तो निकल गया के रोटेशन मोशन पहले तो बताया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पूरा एक सब्जेक्ट है, तो पढ़ना क्या है टोटली पुराना 3, 4, 5, 6 इन टर्म्स ऑफ एंगल। आप सुनो कि कई लोगों कई दोस्तों से पता लगा होगा या सीनियर से पता लगा होगा कि 11th का ये रोटेशन मोशन का चैप्टर बहुत ही तकलीफ वाला है, गोल गोल घुमाता है, गोल गोल घुमाता है, गोल गोल घुमाते चले पता लगता है कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ पता ही नहीं चला बराबर, वो ऐसा क्यों, क्योंकि जिन्होंने बराबर ध्यान से दिल से समझ के नहीं किया और ये समझ के नहीं किया होगा तो वो लोग फंस जाएंगे। इसके ऊपर तुम्हें ख्याल आएगा कि हम लोग लीनियर मोशन ही स्टडी कर रहे हैं जस्ट इन टर्म्स ऑफ एंगल, आगे एंगुलर लगा है बस उतना ही फर्क है, यहाँ पे आगे एंगुलर वर्ड लगा हुआ है उतना ही फर्क है, बाकी सारी कहानियां चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 की है बराबर है। इससे दिमाग में से डर निकाल लो, लोगों ने बोला है सुना है
लोगों से सुना है, बराबर है, फाइन, मैं ना नहीं बोलूंगा, कान कभी झूठ नहीं सुनते, पर फिर भी इतना बोलूंगा, फील योर सेल्फ एंड गिव योर रिव्यू। लेक्चर देखते रहना, आगे पढ़ते रहना, तो पता लगेगा कितना तकलीफ वाला ये चैप्टर है। ओके, अल्टीमेटली आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर यू विल से दैट इट्स इजी कोई चैप्टर ही नहीं है। दिस इज अ मोस्ट स्कोरिंग हाई वेटेज चैप्टर, बराबर है। इसलिए हम लोग इसको थोड़ा स्लोली चलेंगे, ज्यादा फास्ट भगाएंगे भी नहीं, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोई भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में जाओ, दिस विल बी वेरी मच रिक्वायर्ड, इसीलिए फर्स्ट ईयर में डाला हुआ है, विच इज कॉमन फॉर ऑल फील्ड्स। ओके, तो ये हो गया एक आइडिया, व्हाट इज रोटेशनल मोशन में क्या पढ़ने वाले हैं, उसका पूरे चैप्टर का सिनॉप्सिस आ गया, पूरे चैप्टर का सिनॉप्सिस आ गया इसके अंदर। फिर एक आध दो टॉपिक एक्स्ट्रा है इसमें, बस और कुछ नहीं, बाकी सारा यही पढ़ना है हमें। ओके, चलो अब लेते हैं रोटेशनल मोशन क्या, जिसके बारे में इतना डिस्कशन किया वो है क्या चीज, हाउ वी डिफाइन दिस रोटेशनल मोशन, चलो वो देखते हैं। चलो अभी चलते हैं आगे, रोटेशनल मोशन क्या है उसके बारे में, यानी टाइटल समझ रहे हैं, चैप्टर का बेसिक डेफिनेशन समझ रहे हैं। अब ये क्या बोलता है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन ने क्या, इट्स मोशन ऑफ अ बॉडी। अब यहाँ पे सपोज हम करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच डिफरेंट पार्टिकल्स आर देयर। ओके, ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं इस सिस्टम में, दिस सिस्टम मेड ऑफ पार्टिकल्स। अब सच अ मोशन ऑफ द बॉडी, सच अ मोशन ऑफ द बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। सपोज ये पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ लाइक दिस, दिस पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ लाइक दिस, जरूरी है सब बड़े बड़े हो, नहीं है, एक और पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ लाइक दिस, एक और पार्टिकल, जरूरी है सर यूं हॉरिजॉन्टल हो, नहीं, एक और पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ लाइक दिस, अनदर पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ लाइक दिस। ये क्या हो गया, पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ्स, यानी ईच पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन सच अ वे दैट। अब ये सर्कुलर मोशन की खासियत है क्या, कि पहले पार्टिकल, इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मोशन क्या है, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, इसका सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, इसका सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, हर एक का सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, बराबर है। तो सच अ मोशन ऑफ द बॉडी इन विच, सच अ मोशन ऑफ द बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन पाथ्स whose center lie on a definite straight line, हर एक पार्टिकल भले कोई भी डायरेक्शन में मूव करे पर उसका सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ यहां पे इसी लाइन पे होगा, हर एक पार्टिकल भले कोई भी पाथ पे मूव करे, बड़ा या छोटा पाथ, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इसी लाइन पे होगा। सच अ मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, सच अ मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या, मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन whose centers lie on a definite straight line, whose centers lie on a definite straight line, such a motion is called rotational motion. And this definition, definite straight line is called rotational axis. या फिर इसको acceleration बोलेंगे, acceleration और rotational axis. Clear? यानि कि body का rotational motion है, और हर एक particle के individually एक circular motion. Chapter number 4 में जो पढ़ा था वो. बराबर है? हर एक particle के लिए circular motion है. एज अ होल एंटायर रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन बोलते हैं, यानी कि रोटेटिंग रिजिड बॉडी, रोटेटिंग बॉडी में एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, रोटेटिंग बॉडी में एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल लेते हैं सीलिंग फैन, सीलिंग फैन समथिंग लाइक दिस, बराबर है। अब ये सीलिंग फैन में ये ब्लेड का ये पार्टिकल यहां पर जो है वो गोल गोल घूमेगा, ब्लेड का ये पार्टिकल है जो यहाँ पे गोल गोल घूमेगा, यहाँ एक स्क्रू लगा है वो भी गोल गोल घूमेगा, बड़े छोटे सर्कुलर पाथ पे सारे घूम रहे हैं, पर सबका सेंटर ऑफ पाथ कौन सा है, द रॉड ऑन विच इट इज हैंगिंग। तो हर एक पार्टिकल ऑन द ब्लेड और ऑन द फैन, ऑन द सीलिंग फैन, एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, बट द फैन इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, फैन इज रोटेटिंग, एक्सिस में से पास हो रहा है, बराबर है। तो सच अ मोशन ऑफ द बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल परफॉर्म मोशन सर्कुलर पाथ्स हूज सेंटर लाई ऑन अ डिफरेंट स्ट्रेट लाइन, दैट सच अ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन एंड दिस डिफरेंट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब जरूरी एक्सेलरेशन बीच में हो, नॉट नेसेसरी, चलो देखते हैं, सिंपल है। ये सीलिंग फैन का एग्जाम्पल लिया था, अब हैंड फैन का एग्जाम्पल लेते हैं, हाथ पंखा, वो अगर लाइटें चली जाती तो हाथ घुमाते हैं पंखा, वो हैंड फैन, उसकी बात करते हो, ये रोटेट हो रहा है,
रोटेट हो रहा है क्यों? एक्सिस ये एवरी पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, एवरी पार्टिकल ऑन द फैन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, पर सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ लाइज ऑन दिस। यहां पे एक्सिस इज पासिंग फ्रॉम वन ऑफ द एज, नॉट एट द सेंटर। तो एक्सिस का सेंटर से पास होना जरूरी नहीं है, एक्सिस कहीं से भी पास हो, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ शुड बी ऑन दैट एक्सिस ओनली। एक्सिस शुड बी इनसाइड द बॉडी एंड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ शुड बी ऑन द एक्सिस। सच अ मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। क्लियर? यानी कि फिर से एक बार, सच अ मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन विद देयर सेंटर्स लाइंग ऑन द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रोटेशनल एक्सिस। क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन? ये रोटेशन मोशन का केस हो गया, बराबर है। अब हम लोग इस चैप्टर में रोटेशन मोशन को स्टडी करेंगे, यानी रोटेशन मैकेनिक्स का स्टडी करेंगे, पर अब हम लोग शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स और रोटेशन मोशन। पर उसमें जाने से पहले विल टेक थ्री बेसिक assumptions, थ्री assumptions लेके चलेंगे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कीपिंग दिस थ्री assumptions इन माइंड। यानी पहले से ये बातें मान के चल रहे हैं, बीच में चालू चैप्टर में कोई चर्चा नहीं चाहिए। फिर यू कैनॉट आर्ग्यू कि सर ऐसा क्यों लिया है, पहले से तीन पॉइंट हम लोग कंसिडर करके ही चलते हैं। बेसिकली वी कंसिडर दिस थ्री पॉइंट्स एंड वी स्टडी हम लोग इस तीन पॉइंट को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, विल बी कंसिडरिंग ओनली रिजिड बॉडी। मेंशन किया हो या ना किया हो चैप्टर में, हम लोग रिजिड बॉडी ही कंसिडर कर रहे हैं। तुम बोलोगे सर रिजिड बॉडी का आइडियल केस है, वो तो बस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, ना हो तो क्या करें। पर हम लोग रिजिड बॉडी को लेकर स्टडी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे लिए इट बी इजियर टू स्टडी। वाई? क्योंकि इसमें रिजिड बॉडी के केस में एवरी पार्टिकल मूव्स ऑन बाय सेम अमाउंट। क्यों? क्योंकि रिजिड बॉडी है ना, रिलेटिव पोजीशंस कैन नॉट चेंज। तो अगर एक पार्टिकल एंगल 30 डिग्री घुमा तो दूसरे को भी 30 घूमना ही पड़ेगा, तो रिलेटिव पोजीशन मेंटेन होगा। एक ने अगर 20 डिग्री घुमा तो सबको 20 डिग्री, एक नहीं सबको घूमना पड़ेगा 20 डिग्री, तो ही रिजिड बॉडी। तो अगर मान लो एक ने 20 घुमा दूसरा 30 घुमा तो ट्विस्टिंग हो गया, पोजीशन चेंज हो गए, दैट्स नॉट पॉसिबल इन रिजिड बॉडी, बराबर है। तो रिजिड बॉडी कंसिडर करेंगे तो एक पार्टिकल का जो होगा वो सबका होगा। हमारे लिए फायदा क्या है? एक का होगा वो सबका होगा, इसका मतलब किसी एक को स्टडी करें तो पूरी बॉडी का मोशन स्टडी कर सकते, क्योंकि जो एक का होगा सबका होगा एंड हेंस फॉर द एंटायर बॉडी। तो पूरी बॉडी को स्टडी करना इजी पड़ता है इफ वी कंसिडर द रिजिड बॉडी। दैट इज द रीजन व्हाई वी विल बी कंसिडरिंग ओनली रिजिड बॉडी, क्योंकि जो एक का होता है सबका होता है, हमारी पढ़ाई थोड़ी इजी हो जाएगी। अब अगर सॉलिड बॉडी लिया होता तो हर एक पार्टिकल का बिहेवियर थोड़ा अलग होता, डीशेपिंग डिफॉर्मेशन पॉसिबल है। इसलिए एक पार्टिकल यूं गया तो दूसरा यूं टेढ़ा घूमेगा, तो हम लोग कहां किसको पकड़ेंगे। आप एक बॉडी के अंदर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किस किस के पीछे दौड़ोगे? तो पूरा नहीं कर सकते ऐसा नहीं, पर होल अ टीडियस प्रोसेस, अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। राइट नाउ वी आर जस्ट इंट्रोड्यूस टू द रोटेशनल मोशन स्टडी, देयरफॉर फॉर अस इट हैज टू बी अ लिटिल बिट सिंपल, दैट्स व्हाई वी कंसीडर द रिजिड बॉडी। जो एक का होगा सबका होगा, इसे किसी एक को स्टडी करो, सेम विल अप्लाई टू ऑल द पार्टिकल्स एंड द एंटायर बॉडी, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग रिजिड बॉडी। तो मेंशन किया है ना कि पूरे चैप्टर में हम लोग रिजिड बॉडी को ही कंसिडर करेंगे। दूसरा पॉइंट, एक्सेलरेशन वी कंसिडर स्टेशनरी, विल कंसिडर स्टेशनरी एक्सेलरेशन। यानी कि रोटेशन एक्सिस मूव नहीं करेगी, मतलब रोटेशन एक्सिस डज मूव ड्यूरिंग द रोटेशन मोशन, रोटेशन एक्सिस डज मूव। हम लोग नहीं, हम तो स्टडी लेंगे उसको, स्टेशन लेंगे, पर हकीकत में तो मूव होती है। तुम लोग जाओने सर वो थोड़ी है, अरे घर पे सीलिंग फैन है ना, ऑन कर लो, फास्ट करो एंड फिर ऑब्जर्व करो उसे ध्यान से। पंखा तो गोल घूम रहा है, साथ में उसका डंडा भी घूम रहा होगा। हाँ, लॉन्गर द रॉड मोर क्लियर इट विल बी विजिबल। और बड़े बड़े हॉल में होते हैं तो पंखे लगे तो ऊपर से लंबे डंडे वाले, उनको लेकर पूरा डंडा घूम रहा होता है, इसके बाद पंखा फास्ट करते ही नहीं है, सो ही रखते हैं। बोलेंगे ऐसा क्यों सो रखा है? बोले बड़ा हॉल है ना, यूं भी खिड़कियां खोलिए तो एयर की तो एयर मूवमेंट मिले बस उसलिए। और फास्ट करके देखो पता लगेगा पूरा पंखा झूल रहा होगा, तो बोले किसके ऊपर गिरेगा पता नहीं है। सो एक्सेलरेशन डज मूव, एक्सेलरेशन डज मूव, पर हम लोग यहां पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो बोले यार ऐसा कोई एग्जांपल? हाँ है, अर्थ रोटेट्स अबाउट इन ऑन एक्सिस, वी नो वेरी वेल अर्थ रोटेट्स अबाउट इन ऑन एक्सिस। अर्थ का रोटेशन मोशन भी है, खुद के एक्सिस के आसपास मूव कर रहा है, एंड अर्थ की एक्सिस थोड़ी टिल्टेड है। यू माइट हैव स्टडीड इन ज्योग्राफी दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज लिटिल बिट टिल्टेड, एंड ये टिल्टेड एक्सेलरेशन भी मूव करता है, ये गोल गोल घूमता है, यानी अर्थ घूम रहा है साथ में झूम रहा है, वो एक्सेलरेशन में घूम रहा है, झूम रहा है बोलता है उसको।
टेक्निकल वर्ड में इसको बोलते हैं गायरेशन, इट्स कॉल्ड गायरेशन। तो अर्थ एक्सिस रोटेशन गायरेट्स, बराबर है, एंड दैट वन रोटेशन इज प्रोबेबली टेकिंग अराउंड 4 years टू कंप्लीट द रोटेशन, ऐसा बोलते हैं। अच्छा चलो, इसके अलावा, अच्छा आप बोलोगे सर अर्थ तो हमने कैसे देखा होगा, हमको तो ये पता नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, आई गिव यू एग्जांपल व्हिच यू हैव सीन। यू मेट अ प्लेड विद टॉप, लट्टू बोलते हैं हिंदी में, गुजराती में भमरडो, बराबर है, टॉप से तुम खेले होंगे, टॉप रोटेट हो रहा है फुल स्पीड पे एंड समथिंग लाइक दिस, ये टॉप, ये उसकी एक्सिस एंड इज रोटेटिंग। जब फुल फास्ट रोटेट हो रहा है तब एक्सिस वर्टिकल होती है, फुल स्पीड पर रोटेट हो रहा है तब एक्सिस वर्टिकल होती है, पर जब स्पीड कम होने लगती है तब देखा उसका सिचुएशन कैसा है, यही टॉप, अब उसका एक्सिस यूं हो जाएगा, ये झूम रहा होगा, यही टॉप पूरा यूं होकर यूं घूम रहा होगा, जब स्पीड उस कम होने लगती है तो उसका एक्सिस गायरेट्स, टॉप तो रोटेट हो ही जाए प्लस एक्सिस गायरेट्स, बराबर, छोटी चक्कर डी आती है उसको भी घुमाते हैं तब उसको भी देखते उसमें स्पीड कम होती है तो कैसा होता है। ओके, सो दैट्स एग्जांपल ऑफ गायरेशन, यानी रोटेशन मोशन में नॉर्मली इट इज सीन दैट एक्सेलरेशन ऑफ मूव्स, पर हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं लेंगे, हम लोग आइडियल केस लेंगे स्टेशन एक्सेलरेशन, ताकि हमारे लिए पार्टिकल्स का डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस डज नॉट चेंज, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर मूव करेंगे तो पार्टिकल्स की बैंड बदलेगी, उनका डिस्टेंस चेंज होगा, तो हमारे लिए तकलीफ वाला केस हो जाएगा, क्योंकि एवरी मोमेंट डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस विल चेंज, पर वो हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते अभी पढ़ने में। ओके, तो सेकंड हम लोग चीज ये फिक्स करेंगे कि एक्सेलरेशन स्टेशनरी। थर्ड थिंग विल बी टेकिंग इज प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, विल कंसिडर ओनली दोज केसेस इन विच प्लेन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ मोशन, ये पार्टिकल का प्लेन ऑफ मोशन ये चलेगा, इस पार्टिकल की बात करें तो प्लेन ऑफ मोशन यू है, एट सम एंगल विद एक्सिस, नहीं ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे, ये भी कंसिडर नहीं होगा, ये चलेगा। हाँ, विल बी कंसिडरिंग पार्टिकल्स मूविंग इन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये तीन बातों को ध्यान में रखकर ही हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को, बराबर, तो ये थ्री बेसिक असम्पशंस हमारी व्हाइल स्टडीइंग दिस चैप्टर। ओके, यहाँ पे हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन मोशन क्या है, रोटेशन मैकेनिक्स क्या है, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और रिजिड बॉडी के बारे में इंट्रोडक्शन देख लिया, क्या पॉइंट ध्यान में रखकर हम चैप्टर पढ़ने वाले वो भी हमने ले लिया। अगले लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स और रोटेशन मोशन। काइनेमेटिक्स में शुरू होगा सबसे पहले पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे।